पड़ेगी। देखिए यहाँ जो अमृत भारत ट्रेन है उसमें अयोध्या से आज हम सफ़र कर रहे हैं, और ये देखिए आपको हम यहाँ नज़ारा दिखा रहे हैं। ये पूरे बॉगी जो है, मतलब एक बॉगी में हम लोग, मतलब हम लमसम दो तीन आदमी होंगे, इसके अलावा कोई नहीं। ये सारा बॉगी खाली है, और एक मतलब क्या बताएं, ये जो मतलब एक पास आता है वो पास के माध्यम से हम इस ट्रेन में बैठकर और इस ट्रेन का आनंद, खाना पीना, रूम रहना सोना, ये गाड़ी सारा कुछ आज 3 दिन से फ्री चल रहा है। और इस ट्रेन में देखिए हम सफ़र कर रहे हैं, पूरे ट्रेन खाली है, पूरे ट्रेन में कोई यात्री नहीं है, मतलब 2-4-5 यात्री होंगे, और हमारा सीट नंबर यही है, इसके नीचे बैग है। और देखिए यहाँ पे हमारे जस्ट सामने सब लोग हैं, और ये देखिए ये लोग जो हैं, ये मतलब सुपर हैं, काम करने जो करते हैं, खाना वाना लेकर आते हैं। देखिए पूछ रहे हैं खाना हुआ खाना नहीं हुआ, जो ट्रेन में यात्री हैं उनसे पूछ रहे हैं कि खाना हुआ कि नहीं हुआ। और ये देखिए LED पे लिख रहा है, ये देखिए ये हैं, क्या नाम हुआ भाई आपका? आदर्श कुमार। ये क्या मतलब कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, मोदी जी का तो आप खाना बांट रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। एक एक यात्री से आप पूछ कर खाना बांट रहे हैं, खाएगा ऐसा लमसम 100 सिक्योरिटी से कम नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे लिख रहा है रक्सौल जंक्शन, इसमें लिख रहा है कि आगे रक्सौल जंक्शन। ये देखिए एक सामने जो सिक्योरिटी है वो खड़े हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आपको, उनके लिए ये दिखाते हैं रक्सौल जंक्शन आ रही है। ये बता रहे हैं कि अगले स्टेशन रक्सौल जंक्शन आ रहे हैं, और ये सामने हर एक बॉगी में ऐसा 5-6 सिक्योरिटी है। चलिए इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, और ये मतलब LED में ऐसे बताते हैं कि अगले स्टेशन कौन सा आने वाले हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए पूरे ट्रेन में, ये देखिए ये डिब्बा खाते, मतलब सुबह से अभी तक खा ही रहे हैं। और ये देखिए लिख रहा है वेलकम टू इंडियन रेलवे LED में। ये देखिए ये बैठे हुए हैं, देखिए पूरे इस ट्रेन में पूरे लमसम आधा ट्रेन से ज़्यादा दो जो मतलब क्या बताएं, ये जो मतलब सिक्योरिटी है वो बैठे हुए हैं, और RPF GRP सब बैठे हुए हैं। और लमसम देखिए इंडियन रेलवे बैठे हुए हैं, और अभी हम लोग शायद ये ट्रेन आउटर पे रुक दी है, तो कोई बात नहीं, तब तक आपको हम इस ट्रेन का अंदर का ही नज़ारा दिखाते हैं, और बाहर का आपको हम दिखाते हैं थोड़ा बहुत गेट खोलकर। अंधार है अभी तो कुछ, देखिए यहाँ पे जो मतलब GRP RPF होंगे वो मतलब लाइट दिखा रहे हैं। सो अब हम लोग बस रक्सौल जंक्शन पहुंचने वाले हैं, रक्सौल जंक्शन ट्रेन खुल चुकी है, रक्सौल जंक्शन पहुंचते हैं, तब तक आप लोग लाइव पे बने रहिए। ये देखिए इस ट्रेन में ये खासियत है कि मतलब इस ट्रेन का जितना कुछ है ना, ज़्यादातर यही कलर का है, लेकिन गेट से लगे गेट भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए और ये देखिए इस पे पाँव से इसको पुश कीजिए और पानी ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाथरूम वाथरूम सब, मतलब एक तरह से गाड़ी बहुत सुपर हिट है, और यहाँ पे आपको बता देगा देखिए यहाँ पे क्या नाम हुआ भैया आपका? अभिषेक कुमार जी।
अभिषेक कुमार जी, आपको हम सुबह से देख रहे हैं कि आपने मतलब एक तरह से आप बैठे नहीं हैं, सुबह से आप मेहनत कर रहे हैं, तुरंत नाश्ता, तुरंत खाना, तुरंत चाय, तो मतलब इतना उत्साह आप में कैसे आ गया? तो बस दिन की अच्छी शुरुआत हुई है, अब हम लोग सोच रहे हैं अच्छी शुरुआत के साथ काम चले इसमें। ये जो मतलब टोपी पहने हुए हैं ये कहाँ? अयोध्या से ही मिला? अयोध्या से मिला है हम लोगों को, गिफ्ट में मिला है। ये जो ड्रेस है सब चीज़ ड्रेस भी बहुत आम आपको खास करके देख रहे हैं कि आप लोग जितने टीम हैं वो सुबह से अभी तक हम दौड़ रहे हैं, खाना पानी नाश्ता चाय ए टू जेड। तो आप ये बताइए कि इस ट्रेन में आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसमें क्या खाना है? नहीं, इसमें बस वही जो नाश्ता भी नहीं दिए थे। अच्छा अच्छा, डिब्बा वाला खा खा के तो पूरा हमारा पेट फुल हो गया। लेकिन चलिए आप लोग बहुत अच्छा, ये तो मतलब आप लोग जो है हर समय के लिए या फिर आज के लिए स्पेशल? नहीं, ऑल टाइम, गाड़ी जब तक रहेगी तब तक हम लोग। तो ऑल टाइम यही ड्रेस में रहिएगा? हाँ, यही ड्रेस रहेगा। वाह, ड्रेस तो काफी गजब है, योगी जी अपने पसंद से ड्रेस दिए लग रहा है। अच्छा चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स भैया। देखिए यहाँ पे ये लोग जो है मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं कि मतलब जी लगन से आपको बता रहे, पूरे ट्रेन मिलाकर कितना जो मतलब देखिए ये क्या लिख रहा है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्या बताएं भैया? ये जनकपुर रोड जो है वो क्या जनकपुर धाम का है क्या? नहीं नहीं, जनकपुर रोड जो है ना, आप जनकपुर जाइएगा तो उस रोड होकर ही जाना पड़ेगा। ये कौन सी लाइन ये जो मिल रही है जनकपुर, ये रक्सौल पे? हाँ, ये तो हमको नहीं पता भैया कौन सी है, शायद ये मुजफ्फरपुर की होगी। ये देखिए रक्सौल में हम उतर के आपको अच्छा से रक्सौल का हम नज़ारा दिखाएंगे। ये देखिए हम रक्सौल हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे पूरे रक्सौल स्टेशन का हम आपको सीन दिखाएंगे। आप लाइव पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करें। ये देखिए वीडियो बनाने का तो सिलसिला चालू है। भैया जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए सारे वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंकल जी, जय श्री राम, अंकल जी लोग भी वीडियो आराम से बना रहे हैं। और ये देखिए, ये देखिए ट्रेन अब रुक गया और आपको हम ट्रेन के आगे से हम दिखाएंगे कि यहाँ का देखिए कितने भीड़ है, कितना भीड़ कितना, आप ये देखिए। और ये मतलब एक उत्साह होता है कि हम जाएंगे स्टेशन पे ट्रेन देखने, ये एक उत्साह होता है। और देखिए यही हम आपको दिखाएंगे आगे चल के थोड़ा दौड़ कर। और ये देखिए क्या हो रहा है, चलिए हम ट्रेन से नीचे उतर के आपको हम लाइव दिखाएंगे कि ये देखिए फूल उल सबको अभी हट गया है। वैसे यहाँ पर तो आगे से व्यवस्था होगा, कुछ व्यवस्था भी होगा तो आगे से होगा, क्योंकि तो हम थोड़ा पीछे हैं बैठे हुए, उस कारण से उतना आगे तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन हाँ, ट्रेन जब चलने लगेगी तो आपको हम जरूर दिखाएंगे कि यहाँ आगे, क्योंकि हर स्टेशन पे मुझे मतलब टेंट उंट लगा कर जो विधायक सांसद हैं उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया जा रहा है। और यहाँ पे हम बता कैसा मतलब खुश है जी। तो यही है अमृत भारत, आगे से मतलब अब तो ट्रेन इतना स्पीड में आई है लमसम 160। देखिए ये लोग यही ट्रेन में क्या है जो कि सुबह से मेहनत कर रहे हैं और 160 मतलब क्या कर रहे हैं, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही ट्रेन चल रहा है। और ये देखिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि इस ट्रेन का कलर देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए देखिए हमारा यही बोगी है S11 में हम आप लोग
लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। देखिए यहाँ पे हर एक बोगी में ऐसा LED लगा हुआ है जिसमें इंडियन रेलवे वेलकम क्या लिखा हुआ है, और अंदर में आपको बता देगा मतलब, और स्पीकर में बोल भी देता है कि आप कौन सा स्टेशन पहुंचने वाले हैं। माफ़ी मांगना चाहेंगे कि मतलब कॉल आ जा रहा है उस कारण से हम नहीं ध्यान देते हैं, ये मूड डिस्टर्ब मूड लगा देते हैं। देखिए मेरे ख्याल से क्या नाम है विवेक भाई, मेरे ख्याल से इसमें AC बोगी नहीं है क्योंकि हम मतलब आगे से पीछे तक देखे हैं तो AC बोगी तो हमको नहीं लगा है। अब कहीं आगे होगा लेकिन हमारा तो कहाँ गया, S11 में है, मेरा S11 में है, सीट नंबर 39 है क्योंकि 39 और 40, क्योंकि दो सीट पे एक ही आदमी का बैठना अलाउ है, और पूरे ट्रेन में हमको लगता है नहीं आ रहा है कि कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं, क्योंकि पुपरी में इस ट्रेन का सबका इंतज़ार है, सबको इंतज़ार है कि ये ट्रेन कितना देर में आएगी, कितना बजे आएगी, उस कारण से कॉल पे कॉल आ रहा है। लेकिन क्या करें, हम लाइव है तो लाइव तो काट नहीं सकते हैं सब, मतलब पुपरी में लमसम हमको पुपरी का 50 कॉल अभी तक आ गया होगा कि कहाँ पहुँची, अयोध्या जंक्शन टू दरभंगा जंक्शन। देखिए यहाँ पे काफ़ी संख्या में प्रशासन इस ट्रेन में बैठे हुए हैं क्योंकि अभी हम अपने आँख से देखे हैं कि बघा में कोई उपद्रव भी हो रहा होगा, 3-4 लोग थे जो ट्रेन पे ईंटा बरसा रहे थे, तो उस कारण से हम मेरे सामने में जो एक टीम है हर एक बोगी में जो 5-6 प्रशासन हैं और जो सुरक्षाकर्मी थे वो सब मतलब हम बता रहे थे कि आप गेट पे नहीं जाइएगा ट्रेन जब चलेगा गेट पे, क्योंकि कोई पत्थर मार दे या कुछ कर दे, फिर भी कोई बात नहीं है अब नहीं मारेगा, वो बता रहे थे कि उधर कुछ मतलब इधर उधर का एरिया था उस कारण से। और देखिए यहाँ पे खाना आ रहा है, एक तरफ से आप समझिए तो क्या बताएं, पूरे व्यवस्था है। देखिए आपको हम अंदर में दिखाएंगे, थोड़ा बैग भी अपना देख लेते हैं, यही ना है भाई, यही मेरा बोगी है, ये बोगी तो मेरे ख्याल से नहीं है, यही बोगी है, यही है मेरा सीट नंबर, और ये दोनों हैं। देखिए चलिए पुपरी मेरे ख्याल से यहाँ से कितना देर लगेगा, पुपरी हम जो टाइम डाले हुए थे देखिए यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से पुपरी आने में वही 2 घंटा लगेगा क्योंकि ट्रेन बहुत स्पीड चल रही है, और ये ट्रेन में खासियत है कि आउटर पे शायद रुकती ही नहीं है, स्टेशन पे ही रुकती है, आउटर पे अभी तक तो कहीं नहीं रुका, बस 1 सेकंड के लिए यहाँ पे धीरे हुआ था बस। हाँ देखिए यहाँ पे हर एक बोगी में 3-4 आदमी होंगे सफ़र करने वाले, कम से कम 10 जो होंगे जी आर पी आर पी एफ, एक तरफ से मानिए तो आदमी से ज़्यादा जो GRP RPF वही लोग होंगे, लेकिन चलिए अच्छा बात है क्योंकि इस ट्रेन आया है तो ये पहला दिन है, तो ये तो है ही कि प्रशासन थोड़ा मतलब देख कर लाएंगे और दरभंगा तक पहुंचाएंगे। देखिए ये सर लोग मेरे ही सीट के सामने हैं, ये लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा निरीक्षण करने की, कोई इधर उधर न करे। ठीक है,
नहीं एसीपी हो गया कहाँ दिखा रहा प्रेशर रिलीफ तो नहीं हो रहा कहीं भी आवाज तो आता ना अभी है यहाँ एकदम ट्रेन को एक तरफ से मान के चली तो पूरे निरीक्षण में लेकर जा रहा है थोड़ा भी मिस ना होना चाहिए एकदम देख कर ले जाएंगे एक स्क्रेच भी नहीं ट्रेन पे आना चाहिए। योगी जी बोल दिए होंगे कि मेरा ट्रेन पे एक स्क्रेच भी नहीं आना चाहिए उस कारण से अब देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए अब सारा कुछ हो गया हमको लगता है ये मतलब देखिए उधर से फॉक्स आ गया मतलब है कि अब ट्रेन अब चलने वाला है। चलिए हरी झंडी आ गई अब हम बैठ जाते हैं थोड़ा चलने दीजिए उसके बाद हम ट्रेन पर बैठ जाते हैं। देखिए अब ट्रेन अब बस एक सेकंड में चलने वाली है हॉर्न दे दी ट्रेन देखिए डायरेक्ट लाइव आपको हम अमृत भारत ट्रेन के अंदर से अब दिखाएंगे। ये फूल है ये गिर रहा है इसको उठाकर ऐसे ठीक कर देते हैं।